भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कठिन परिस्थितियों से निपट कर ही हम उन्नति की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। भीम, प्लीज, बाबा से नहीं मांगेंगे। लेकिन किससे मांगेंगे? किसी से नहीं। तो तू पढ़ाई छोड़ रहा है क्या? नहीं, मैं पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ सकता। पैसे नहीं दिए तो प्रिंसिपल हमें अंदर जाने नहीं देंगे। आनंद भैया, कुछ उपाय ढूंढते हैं, चलो। अपनी हर चीज से ज्यादा किताबों को महत्व देना। कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। लड़ूंगा बाबा, सारे दर्द सहूंगा और जीत भी हासिल करूंगा। भाला राव, क्या हुआ? अभी तक तुम्हारे भाई आया नहीं? गुरुजी, मैं अभी तक कब से यहीं खड़ा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? गुरुजी, अंदर आ जाए। आओ। फीस के पैसे? अब भी नहीं है। क्यों? तुम्हारे बाबा ने नहीं दिए? बाबा ने कहा कि एक हफ्ते में भर देंगे। देखो, अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं भरे तो मैं तुम तीनों को स्कूल से निकाल दूंगा, ठीक है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तुम तीनों अपनी अपनी कक्षा में जाओ। बाबा ने पैसे दिए क्यों नहीं? हमने नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि बाबा के पास पैसे थे ही नहीं। फिर अब? बाला भैया, आगे सोचते हैं फीस के लिए क्या करना है। अरे जब बाबा के पास पैसे है ही नहीं तो सोचकर क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़कर। बाला भैया, आप अपनी कक्षा में जाइए। चल भी, हाँ अपनी कक्षा में चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? जाना पड़ेगा भीमा भाई, घर पे रहूंगा, बच्चों को ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, इससे बच्चों का मनोबल कमजोर पड़ सकता है। और बाहर जाके काम भी तो ढूंढना है ना, काम को उसी समय लौट के आऊंगा जिस समय काम से लौट के आता था। क्या है ना भीमा भाई, अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव का बुरा असर अपने बच्चों पे ना पड़े, इसलिए सब जरूरी है। और देखना तुम, अपने दिन जल्दी संवर जाएंगे। बाला बड़ा है, वो जल्दी पढ़ लिख लेगा, काम पे जाएगा, तो गृहस्थी चलाने में मदद हो जाएगी। और मैं अपने बच्चों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दूंगा, लेकिन तब तक हमें नाप तोल के चलना पड़ेगा।
खाने में दुआ तो बाबा। क्या हुआ बेटा? बाबा दो आने में दस आम तो दस आने में कितने आम होंगे? ला दिखाता हूँ। तुलसा तू भी देख ले, दो का दस मतलब दस बटा दो, तो दस आने के कितने आम? तो दस बटा दो गुनिले दस, तो ये दस में से दो कट जाएंगे तो बच जाएंगे पांच, तो पांच गुने दस कितने हो गए? पचास। शाबाश, ऐसे ही करते रहना। अरे वाह राम जी, हम तो सोचते थे कि तुम केवल लड़कों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हो, लेकिन आज ये देख के ना मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि तुम बेटियों की पढ़ाई के लिए भी उतना ही चिंतित हो जितना बेटों की पढ़ाई के लिए। अरे हमारा बच चले तो इन्हें भी स्कूल भेज दो, लेकिन अपना ये समाज जाने कब लड़कियों को पढ़ने की इजाजत देगा, और वो भी हमारी लड़कियों को। राम जी तुम ही क्या करते थे ना कि एक दिन हमारा वक्त बदलेगा, ना जाने क्यों मेरा मन कहता है ना कि तुम्हारी इस बात पे विश्वास करूं कि हमारा भी वक्त एक दिन बदलेगा। और इससे पहले ना हम अंग्रेजी मैम लोग को पढ़ते लिखते देखे थे, और आज इन बेटियों को देखो कितना फटाफट लिख पढ़ रही हैं। बाबा इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी पढ़ाई करना चाहिए ना। हाँ। जरूर बेटा। रंजन हमें काम के लिए जाना है ना, देरी हो रही है। हाँ वैसे भी अगर काम पे देर हुई तो मुंशी हम लोगों पर चिल्लाएगा। चलो चलो चलो। लो बेटा तुम पढ़ लो। चल। बच्चों का कितना ख्याल रखते हो भीम के बाबा कि उनके लिए झूठ भी बोलने लगे। भीमराव खाना अलग बात है और जिंदगी की समस्या अलग बात है। खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? इसलिए मेरी तरह पहले खाना निपटाओ फिर बाद में कुछ सोचो। भीमराव क्या सोच रहे हो? गुरु जी वो गुरु जी मैं ये सोच रहा हूँ कि बाला भैया और आनंद भैया इतनी तीखी सब्जी कैसे खा रहे हैं। अच्छा अच्छा सोचो सोचो, ये तुम लोगों की आपस की बात है। ठीक है भी, अब तो सच बता कि तू क्या सोच रहा है। बता ना भीम, मैं जानता हूँ कि तूने गुरुजी से झूठ बोला। मुझे तो पता मैं तेरा मित्र हूँ। अच्छा ठीक है, ये मेरी आई ने खास मेरे लिए बनाई, खा अच्छा लगेगा। कैसे मित्र हो तुम? सारे बच्चों से छुपकर हमारे साथ यहाँ खाना खाने आ सकते हो, लेकिन सबके सामने हमसे दूर भागते हो। अगर तुम हमारे मित्र ही हो तो कक्षा में भी इन लोगों के साथ बैठो ना, इन लोगों से दूर क्यों बैठते हो? बाबा के पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए हमने उनसे फीस नहीं मांगी, और एक हफ्ते में हमने पैसे नहीं भरे तो प्रिंसिपल साहब हमें स्कूल से निकाल देंगे।
तो क्या सोचा है? वही सोच रहा हूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे पैसे कमा के स्कूल की फीस भर दूँ। ऐसा करता हूँ, मैं कल से रोज अपनी आई से समोसे और मिठाई के पैसे मांग मांग कर तुझे जोड़ कर दे दूंगा, उससे तू अपनी फीस भर देना। एक दो दिन मिठाई और समोसा भी खरीद के लाना। लेकिन तूने गुरुजी से झूठ क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत मानते हैं, अगर मैं उनसे कुछ कहता तो वो बाबा से कह देते, और हम बाबा से कुछ नहीं कहना चाहते। सुनो, सुरेंद्र ने है ना भीम के साथ खाना खाया है, अब से वो यहाँ नहीं बैठ सकता। बहुत साथ देते हैं ना उनका, इसकी भी सारी किताबें फाड़ के फेंक दो। जाके बैठ, और आज से तू जात बाहर है। क्यों? तूने भीमराव के साथ खाना खाया था ना, जा उसकी शादी बैठ। पंचायत हो क्या तुम लोग? बच्चों की पंचायत ही है ये, जा जाके बैठ जा। खुश रहो, बैठो बैठो। ये क्या सुरेंद्र, तुम उन लोगों के साथ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं गुरुजी, वहां किताब फाड़ने वाले लोग हैं और यहाँ किताब चिपकाने वाले, मैं अब से यहीं बैठूंगा ताकि मेरी किताबें सुरक्षित रहें। आज मैं तुम लोगों को इतिहास का अध्याय 4 पढ़ाऊंगा, ठीक है? कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? अध्याय 4। अब तो मैं तुम्हारे पास पत्नी आ गया, अब तो दोस्त हूँ ना? हाँ, अब हम पक्के दोस्त हैं। दीदी, मैं सोच रही थी घर पे थोड़े कपड़े ही सी लूं, वो बेच के जो पैसे आएंगे उनसे घर में मदद हो जाएगी। हाँ, सोच तो अच्छी है, है ना? लेकिन हमसे कपड़े सिलवाएगा कौन? अपनी बिरादरी के लोग तो सिलवाएंगे ना, बस दिक्कत ये है कि यहाँ हमारी बिरादरी के लोग बहुत कम हैं, और जहाँ है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। समझ में नहीं आ रहा है कपड़े इतनी दूर जाएंगे कैसे, पहुंचाए कैसे जाएंगे। तूने तय कर लिया ना? हाँ। तो तू चिंता मत कर, कपड़े लाने का और ले जाने का काम मेरा, इस बहाने में भी तो थोड़ी मदद कर दूंगी ना। लेकिन दीदी, आप इतनी दूर कैसे जाओगे? क्यों, कोई शक है तुझे? तबियत और उम्र पर मत जा, हौसला देख मेरा, हौसला बुलंद है। हौसला देखो, हौसला। चलो भागो यहाँ से। आगे बढ़े, देखो तो।
लोग यहाँ खड़े क्यों? चलो बाला भैया आप जाओ, और कोई पूछे ना तो कहना कि मैं और आनंद भैया खेलने गए हैं, तब तक हम कोई काम ढूंढते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना हो करो। रुको मैं भी आ रहा हूँ काम ढूंढने। सुरेंद्र तुम मत चल, नहीं तो तेरे घर वाले तुझे बहुत डांटेंगे। चल भी जी भी सीखना है। बेटा यहाँ पे जितने हैं ना सब अनपढ़ हैं, लिखने पढ़ने के बाद ढंग से बाजा नहीं बजता है। तुम तो स्कूल जाते हो ना? बस जाता हूँ, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे यही सीखना है। ठीक है देना इसको, इसे बजाओ। इतनी दुकान है, कौन सी दुकान में चले? उस दुकान में चलते हैं, उस दुकान में खरीदार नहीं है। चलो भाई। काका कोई काम दे दो ना। अरे सुबह से एक सामान नहीं बिका है, मैं खुद सोच रहा हूँ ये काम छोड़ दूँ तो तुझे क्या काम दूँ, चल जा यहाँ से। जब बिक नहीं रहा तो छोड़ दो ना काका। और ये बताओ कि ये बिक क्यों नहीं रहा है? वो देखो उनके दुकान पे तो कितना सारा बिक गया और लोग खरीद भी रहे हैं, और इनके भी। अब उनकी तरह गला फाड़ फाड़ कर नहीं चिल्ला सकता मैं। अगर हम आपके लिए चिल्लाए और आपका सामान बिकवा दे तो आप हमें पैसे दोगे? तुम ऐसा क्या चिल्ला के बोल दोगे कि लोग सब कुछ छोड़कर मेरी दुकान पे आ जाएंगे? ये भीमराव है, ये जो करता है जादू हो जाता है। आप बताओ आप पैसे दोगे? ठीक है देंगे, दिखाओ जादू। भाई जरा वो दिखाओ लाल वाली। भीम क्या करना है? सुना 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 ये क्या कह रहा है? भीम तुझे क्या दिख रहा है? भाई सब घर जा रहे हैं। और घर जाकर क्या होगा? अपनी घर वाली मिलेगी, इसका मुंह लटका होगा। तब तो घर वाली चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं देगी, फिर साहब का क्या होगा? बता इन्हें। भाइयों बहनों आओ इधर आओ, ये कुछ बता रहा है, आ जाओ। भाई साहब चूड़ी खरीद लो, फिर अपनी घर वाली का लटका हुआ मुंह खिल जाएगा। और चाय नाश्ता पानी सब बिना मांगे ही मिल जाएगा, नहीं तो घर वाली पूछेगी मेरे लिए क्या लाए। गाजर। आप ही खाओ गाजर, आज खाना नहीं मिलेगा। करम ही फूट गए रे आई, करम ही फूट गए, ऐसे पति से पाला पड़ा है। भाई एक चूड़ी दे दे यार। मुझे चूड़ी और सिंगार के लिए तरसाया, मेरी मन की बात समझ ना पाया। सिंगार मांगते हरदम, क्या कहूँ इसका बहुत बड़ा है हरदम। तो
मुझे भी छोड़ी दो। ये वाली मेरे अरमानों को मार रहा है, सारी जिंदगी यही सहा है। पूरी यार समझ नहीं पाती, पैसे कमाने में कमारी टूट जाती। लाओ भैया मुझे। ये मुझे बहुत प्यारा है, पर यही मेरा हत्यारा है। आए, और जो लोग सिर्फ देख रहे हैं और अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद नहीं रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका बाबा होगा। बाबा? क्या बाबा?